फिर एक बार आ गया हूं लेके आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल एंड इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियो जिसका नाम है ट्विटर टू लिंक्डइन ऑटोमेशन लिंक्डइन में ट्वीट्स शेयर करें ऑटोमेटिकली आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप आपके ट्विटर अकाउंट के ट्वीट्स को ऑटोमेटिकली शेयर कर सकते हैं एज अ पोस्ट आपके लिंकड के प्रोफाइल पे जी हाँ ये पॉसिबल है एक ऑटोमेशन की हेल्प से जो आपको सेट करना होगा ट्विटर और लिंकड के बीच में जब आप ऑटोमेट कर देंगे इन दोनों एप्लीकेशन को तो क्या होगा जब भी आपके ट्विटर के अंदर आप कोई न्यू ट्वीट क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो सेम ट्वीट क्रिएट हो जाएगा आपके लिंकड में एज अ

है और इन दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है और कनेक्शन बनाने के लिए हम हेल्प ले रहे हैं इंटीग्रेट कर देता है क्योंकि हंड्रेड टास्क के फ्री देता है और फ्रीमियम अकाउंट भी बना सकते हैं तो फिर देर किस बात की है आइए मेरे साथ मैं आप लोगों को सिखाता हूं कि कैसे आप भी इस ऑटोमेशन को सेट करके अपना टाइम और मनी दोनों सेव कर सकते हैं पूरी प्रोसेस बताऊंगा कहाँ क्या कर रहा है क्या नहीं अभी अपनी स्क्रीन पर ओके okay, सबसे पहले हम अपने ब्राउजर में टाइप करेंगे पी ए डबल बी एल वाई पैबली डॉट कॉम प्रेस एंटर यह ऑफिशियल वेबसाइट क्लिक करेंगे साइन अप फ्री पे अपना अकाउंट एकदम फ्री में बनाने के लिए मैं ऑलरेडी अपना अकाउंट बना चुका हूँ दैट्स वाई मैं क्लिक करूँगा साइन इन पे ओके okay? फर्स्ट ऑप्शन आएगा हमारा पैबली कनेक्ट का क्लिक करूंगा एक्सेस नाउ पर देन ओपन हो जाएगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड ओके okay, जब डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा तो राइट हैंड साइड में एक ऑप्शन आएगा क्रिएट वर्क फ्लो का हमें जाना है उस ऑप्शन पे क्लिक करना है और अपने वर्क फ्लो को एक नाम दे देना है सो वही प्रोसेस करता हूं मैं नाम दे देता हूं ट्विटर टू लिंक ठीक है मैंने नाम दे दिया है ट्विटर टू टु लिंक्डइन आप कुछ और नाम दे दे सकते हैं जो भी आप देना चाहें एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं आपको कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा जो कि होगा इसी वर्कफ्लो का आपको जाना है उस लिंक पर क्लिक करना है और आप भी मेरा बनाया ये सेम वर्कफ्लो अपने अकाउंट में यूज़ कर पाओगे वो भी एकदम फ्री में वर्कफ्लो को नाम दिया मेरे सामने दो तो विंडोज आ गई ट्रिगर और एक्शन की दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इंटीग्रेशन में ट्रिगर मींस व्हेन दिस हैपेंस जब भी ऐसा हो एक्शन मींस डू दिस ऐसा कर दो टॉपिक क्या है हमारा हम चाहते हैं कि हमारे ट्विटर में जब भी कोई न्यू ट्वीट क्रिएट हो तो ऑटोमेटिकली वो शेयर हो जाए हमारे लिंकड इन पे अ पोस्ट ठीक है ऐसा हम चाहते हैं सो so, ऐसा करने के लिए हम फर्स्ट एप्लीकेशन में सबसे पहले तो चूज कर लेंगे ट्विटर को सर्च किया चूज कर लिया ट्विटर को दैन ट्रिगर इवेंट में चूज करेंगे न्यू ट्वीट को ओके okay? है ना क्योंकि मैं चाहता हूँ जब भी कोई न्यू ट्वीट क्रिएट हो मेरे अकाउंट पर तो मेरा ट्रिगर काम करे देन कनेक्ट पर क्लिक करूंगा कनेक्शन के लिए उसके बाद आई न्यू पे देन कनेक्ट वे ट्विटर पे ऑथराइज ऐप पे क्लिक करके एक्सेस दे दूंगा डोंट वरी पैब्लिक कनेक्ट इज हंड्रेड परसेंट सेफ ऑथराइजेशन सक्सेसफुल हो गया एंड मेरा पैब्लिक कनेक्टेड है सक्सेसफुली मेरे ट्विटर अकाउंट से क्लिक करूंगा जैसे ही सेवन सेंग टेस्ट रुकर्स पे तो रिसेंटली जो भी मैंने ट्वीट क्रिएट किया होगा अपने ट्विटर अकाउंट पर उसकी डिटेल्स मेरे पास यहाँ पे पैब्लिक कनेक्ट के पास कैप्चर हो जाएंगी तो चलिए मैं पहले एक ट्वीट क्रिएट कर देता हूँ है ना यहाँ पे है ना एवरी डेट सोल्जर हैज अ फेस अ स्टोरी एंड आ ब्रेव्ड फैमिली ओके okay, ये ट्वीट में कर रहा हूँ ओके सर मैंने ये ट्वीट कर दिया है सक्सेसफुल जैसा कि आप देख रहे हैं आता हूँ पैबली कनेक्ट पर और क्लिक करता हूँ सेवन सेंट पर और चेक करूँगा जो रिसेंटली मैंने ट्वीट किया है अभी उसकी डिटेल्स आती हैं कि नहीं सो so यस यहाँ पे सक्सेसफुली जैसा कि आप देख रहे हैं जो कि मैंने ट्वीट किया था वही सेम ट्वीट यहाँ पे फुल टेक्स्ट के अंदर मुझे दिख रहा है और भी सारी डिटेल्स है कि कब क्रिएट किया कितनी तारीख को क्या डेट थी क्या दिन था वगैरह वगैरह है ना सारी डिटेल्स लगभग यहाँ पे कैप्चर कर ली है पैबली कनेक्ट ने अब मैं चाहता हूँ कि जब भी पैबली कनेक्ट के पास किसी भी ट्वीट की डिटेल्स कैप्चर हो तो पैबली कनेक्ट ऑटोमेटिकली उन डिटेल्स की हेल्प से एक पोस्ट क्रिएट कर दे मेरे लिंकड के अकाउंट पे ओके सो ऐसा करने के लिए मैं अपनी सेकेंड एंड लास्ट एप्लीकेशन के अंदर चूज कर लूंगा लिंकड को ओके सर्च किया चूज कर लिया लिंकड को देन एक्शन इवेंट में चूज करूंगा शेयर सिंपल टेक्स्ट क्योंकि एक ट्वीट जो है वो मैंने सिंपल किया और मैं सिंपल टेक्स्ट ही शेयर करना चाहता हूँ देन कनेक्ट पे क्लिक करूंगा कनेक्शन के लिए उसके बाद एड न्यू पे देन कनेक्ट विद लिंक पे

मेरा ट्वीट किया है अपने ट्विटर अकाउंट पे है ना जो कि यह है एवरी डेट सोल्जर हैजा एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो यह सेम टू सेम पोस्ट हो जाए मेरे पे सो ऐसा करने के लिए मुझे वो डेटा यहाँ ऐड करना होगा ऐसा वो डेटा यहाँ ऐड करने के लिए मुझे टेक्निक का यूज करना होगा जिसको कहते हैं मैपिंग मैपिंग में हम हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन का डेटा हमारी एक्शन एप्लीकेशन में बहुत ही ईजिली ऐड कर सकते हैं कैसे ब्लैंक फील्ड पर क्लिक किया नीचे ऑप्शन आए ट्विटर का क्लिक किया ट्विटर पर सारी डिटेल्स ओपन हो गई अब कंटेंट कंटेंट के अंदर मैं चाहता हूं कि ये जो कंटेंट मैंने ट्वीट किया था अपने ट्विटर पे वो सेम कंटेंट एज अ शेयर हो जाए मेरे किस पे मेरे LinkedIn पे सो so, इसको क्लिक करके हाँ पे ऐड कर दूंगा ये जो प्रोसेस मैंने की इसी को कहते हैं मैपिंग बहुत ही इजी है लेकिन जितना इजी है उतना ही इंपॉर्टेंट भी क्योंकि अगर आप डेटा मैप नहीं करोगे तो आपका ऑटोमेशन परफेक्टली वर्क नहीं करेगा जो आप मैन्युअली लिख दोगे वही सेम टू सेम एज इट इज रहेगा देन आप जब भी अपने ट्विटर पर कोई दूसरा ट्वीट करोगे तो वो दूसरा ट्वीट करने के बाद भी जो आपने सेम टू सेम यहां पे लिख दिया था वही सेम पोस्ट क्रिएट होगा लिंक्डइन पे और अगर आप मैप करोगे तो अभी जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि मैंने अभी यहां पे ये जो डेटा है ये मैप कर दिया अब अगली बार क्या होगा जब मैं ट्विटर पे अपने कोई भी ट्वीट करूंगा तो उस वो जो भी ट्वीट होगा वो ऑटोमेटिकली यहां पे ऐड हो जाएगा क्योंकि मैंने यहां पे डेटा मैप किया है और अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो जो मैं मैन्युअली लिखूंगा वही सेम टू सेम पोस्ट होता रहेगा दैट्स वाई मैप करना इंपॉर्टेंट है तो so मैंने मैप कर दिया है डेटा विजिबिलिटी पब्लिक रखना है मुझे दैट्स वाई मैं पब्लिक रखूंगा देन अब मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंग टेस्ट रिक्वेस्ट पे तो जैसे ही मैं सेवन सेंग पर क्लिक करूंगा एक पोस्ट जो है क्रिएट

मुझे अब सेव पे क्लिक करना है और अब मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है अब क्या होगा इस ऑटोमेशन की हेल्प एज सिंपल टेक्स शेयर हो जाएगा मेरे के पे, मेरे इन्वॉल्वमेंट के बिना लेकिन कभी कभी बारह से पंद्रह मिनट का टाइम लग सकता है तो पैनिक मत होइएगा क्योंकि हमारा ट्विटर के जो ट्रिगर्स हैं वो पोलिंग बेस्ड है दैट्स वाई टाइम लग सकता है बारह से तेरह मिनट का सो so उसमें बिल्कुल भी घबराइएगा मत गारंटी के साथ कहता हूँ कि बारह से तेरह मिनट बाद आपका जो पोस्ट है वो ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाएगा लिंकड इन आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा जब तक ये वर्कफ्लो ऑन है ना सिर्फ इन एप्लीकेशन को पैबली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को इंटीग्रेट कर सकते हो ऑटोमेट कर सकते हो बिना किसी परेशानी के जाते जाते एक बात फिर से बता देता हूँ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा जो कि होगा इसी वर्कफ्लो का आपको जाना है उस लिंक पे क्लिक करना है और आप भी ये सेम वर्कफ्लो अपने अकाउंट में यूज कर पाओगे वो भी एकदम फ्री में